अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। अंकल काका ये ना ऊपर से गिर रहा है गरम। एक और शरीर दरअसल उन्हें यार खुद उनसे लो बहुत गर्म देखो नहीं हाथ देख लो उस पे बहुत गर्म है। ये मंदिर से लगी मेन हाथ दिया रह गया होगा ना। हाँ दिया दिया घर वाले कहाँ गए और ये मिल दे दिया ऐसे अच्छा क्या आग लग गई थी? आप कहाँ पर थे? हम लोग घर में दरवाज़ा बंद करके मतलब लॉक करके इंदौर गए हुए जी। श्रीमती जी का कुछ मतलब मेडिकल चेकअप करवाना था जी। वह खबर मिली कि कुछ धुआं निकल गया बाहर से पता लगा कि बीच के हाल में आग लग गई है और कैसे लगी समझ में नहीं आ रहा। शायद 60% भी हो सकता है ज़्यादा गर्मी के कारण। सर ऐसा बताया जा रहा है कि दीपक वगैरह भी जल रहा था ऐसा कुछ था क्या? पता नहीं अब दीपक तो मेरे ख्याल से नहीं होगा कुछ अगरबत्ती वगैरह हो सकती है और भी कोई कारण हो सकता है। सर क्या कुछ नुकसान हुआ है घर में? नुकसान तो हाल में लगा है और ऊपर सीलिंग वीलिंग भी सब खत्म हो गई जी। मेरे ख्याल से करीब 25-30 हज़ार रुपये से ऊपर का नुकसान हो गया। सर आपका नाम बताइए। ब्रजमोहन गुप्ता। भैया बताइए किस प्रकार से कहाँ पे के और किसके मकान में आग लगी थी? सर ये जी का मकान है अपने जिनके हमें किराएदार हो जी। तो जैसे अपन ड्यूटी करके आते हैं नाइट में तो फिर सो रहे थे जी। तो सुबह धुआं वगैरह लगा अपने को कि धुआं आ रहा है कहीं से स्मेल आ रही थी जलने की तो अपन को लगा कि आसपास कहीं आग लगा रखी होगी जैसे कचरा वचरा जलाते हैं तो अपन ने देखा आसपास बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी तो अपन ने फिर नीचे साइड देखा वीडियो की साइड तो धुआं ही धुआं हो रहा था। अच्छा तो अपन नीचे आके देखे तो ताला लगा हुआ था तो अपन को लगा कोई पहले लगा कि कोई होगा अंदर कमरे में जैसे खुला रहता है हवन वगैरह कर रहे हो तो धुआं आता है जी। बट जब देखा कि ताला लगा हुआ है तो धुआं बहुत तेज़ी से निकल रहा था और एक जगह से नहीं चारों साइड से निकल रहा था जी। तो फिर अपन ने फिर साइड वाले भैया को बताया पहले सर को कॉल किया जिनका मकान था वो थे नहीं घर पे जी। तो फिर उनको कॉल लगाया तो उन्होंने बोला बोले एक बार ही ताला तोड़ के देखो अगर ज़्यादा लग रही है तो फिर अपन ने फिर
अपने फायर ब्रिगेड वालों को कॉल किया तो उनको बुलाया, तब अपन ने फ्रंट वाला गेट तोड़ के फिर अंदर देखा तो अपना जो मंदिर वाला एरिया रहता है वहाँ पर आग लगी थी। बहुत टेंशन। कुछ मालूम पड़ रहा है कि किस चीज़ से आग लगी थी ऐसा कुछ? अभी तो जस्ट आग बुझाई है तो फिर अब देखना पड़ेगा क्योंकि आग लगी है जहाँ पर अपना दिया धूप वगैरह करते हैं उस साइड। क्या नाम है आपका? रजत। रजत साहब कहाँ पे ये कॉलोनी कहाँ है पे? ये अपना है परिसर के पास, अपना स्टेडियम परिसर के पास। अच्छा। किसका मकान था ये? अपने उनके। आप किराए से रहते हैं? सब टॉप फ्लोर। ये कहाँ पे आग लगी थी और किसका मकान है और क्या कुछ नुकसान हुआ है? ये स्टेडियम के पीछे आग लगी थी, दिया लगाने के कारण से यहाँ पर आग लगी थी। अच्छा। क्या मकान, बताया जा रहा है कि मकान का दरवाज़ा भी तोड़ना पड़ा था? यहाँ पर जब फायर कॉल हुआ था, हमारी फायर आई थी, तत्काल में तोड़ना पड़ा था पर आग पर काबू पा लिया। क्या कुछ ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ है अंदर? कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं। किसका मकान है ये? ये अभी हम जाँच कर रहे हैं, अभी हमने आग पर काबू पाया है, इसके बाद हम बाकी सब। कितनी फायर लगी थी आपकी यहाँ पर? दो फायर लगी है। आपका नाम बता दीजिए। फायर